हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम्बी। इसमें मेरा नाम है कैलाश तिवारी और आप देख रहे हैं आई एग्जाम्बी। और आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ की कट ऑफ को। हमेशा की तरह जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि कट ऑफ कोई भी पैमाना नहीं होता है प्रिपरेशन का। कट ऑफ हमेशा ये चीज़ बताती है कि जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट था उसके कितने नंबर थे, मतलब कि इतने नंबर चाहिए थे एग्जाम क्लियर करने के लिए। 2023 में जो पेपर था, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बच्चों के अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक कट ऑफ डिसाइड हुई। 2024 में इस कट ऑफ का कोई रिलेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि 2024 का पेपर डिफरेंट होगा, 2024 में डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होगा, 2024 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट होंगे, उनके अटेम्प्ट्स डिफरेंट होंगे। तो इसलिए 2023 की कट ऑफ को टारगेट मत बनाइएगा। बट क्या समझने के लिए है वो हम डिस्कस करेंगे, वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। सो इम्पॉर्टेंट है, मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी से शॉर्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, हम जो हो गया उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली हम अपना नेक्स्ट मूव बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो यही कट ऑफ के लिए भी बात अप्लाई होती है कि जो कट ऑफ पिछली बार चली गई उससे हमें बहुत मतलब नहीं है, हम आगे कैसे हमारे मार्क्स अच्छे हों कि कट ऑफ हमें ना देखनी पड़े और कट ऑफ का डर हमारे मन में ना बैठे, ये हमको ध्यान रखना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं नवंबर की, ये आपको पता ही है। आइए सीधे कट ऑफ का डिस्कशन करते हैं। ओके, ये सारी कट ऑफ है 2018 से लेकर 2023 तक। वैकेंसीज भी मैंने यहाँ पे मेंशन की, यहाँ पे अभी वैकेंसीज बढ़ गई हैं, 600 समथिंग हो चुकी हैं। सो बहुत बधाई, अगले साल और ज़्यादा वैकेंसीज आए, आपको एक मोटिवेशन मिले, तो ये हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो इस सारी कट ऑफ में कोई कोरिलेशन नहीं है, बट इंडिविजुअली कट ऑफ एक बार जल्दी से कंपेयर कर लेते, देख लेते हैं। 2018 में आप देखेंगे 7 मार्क्स थे क्वांट्स में, रीजनिंग में 10 मार्क्स थे, इंग्लिश में 4.75 थे, कट ऑफ गई 22.75। 2019 में सब में लगभग 10 से या उससे ऊपर थे, कट ऑफ गई 36.25। 2019 के सिमिलर आप देखेंगे 2023 में जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है, 9.5 क्वांट, 7 रीजनिंग, इंग्लिश 8, और ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई 36.88। मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे आगे सिलेक्शन करने के लिए। जस्ट एक साल पहले की बात देखिए, पेपर डिफिकल्ट था। 22 में क्वांट्स में 6 मार्क्स, रीजनिंग में 5.7, इंग्लिश में 5.7, और ओवरऑल कट ऑफ कितनी गई 17.75। आप समझ सकते हैं कि कितना कम डिफरेंस है सब्जेक्ट की सेक्शनल कट ऑफ और उसके बाद में। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये किस पे डिपेंड करता है, डिफिकल्टी लेवल पे। अब मान लीजिए कि अगर इसको टारगेट बना के 2023 का एग्जाम देंगे तो क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, तो सेक्शनल कट ऑफ वाइज क्लियर हो पाएगा ना तो ओवरऑल। सिमिलरली 2023 के कट ऑफ को अगर आप आगे टारगेट बनाएंगे, हो सकता है पेपर और इजी आए, बच्चे ज़्यादा पढ़ लें, वो और अच्छी कट ऑफ और कट ऑफ ऊपर चली जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है पेपर बहुत डिफिकल्ट आए और आप इस टारगेट को चेज करने के चक्कर में नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा कराए, अटेम्प्ट ज़्यादा कराए, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए कट ऑफ हमेशा कैसे यूज़ करनी है। अब आप कहेंगे फिर जब इतना सारी बातें हो रही हैं तो फिर फ़ायदा क्या है इस कट ऑफ का, आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या करना है, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, नहीं है तो आपको एग्जाम भी में बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट ओपन कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर में जाइए, हर एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, सबमिट कीजिए, अपने मार्क्स देखिए, फिर उस मार्क्स को यहाँ पे कंपेयर कीजिए, लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का पेपर दीजिए, सबमिट कीजिए, देखिए आपके इंडिविजुअल सेक्शन में कितने मार्क्स आ रहे हैं और ओवरऑल कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर इससे ऊपर हैं मतलब आप ठीक कर रहे हैं, अगर इनसे नीचे हैं तो समझिए कहाँ पे गड़बड़ है। सिमिलरली मेंस में भी यही करना है। तो कट ऑफ का बेनिफिट क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर देंगे तो उसको इससे एनालाइज कीजिए, आपको अपनी प्रिपरेशन पता चल जाएगी। बस टारगेट मत बनाइएगा इसको आगे, हमेशा मैं कहता हूँ कट ऑफ का चक्कर तो होता ही खराब है, जब तक कट ऑफ नहीं आती है तब तब भी, और जब कट ऑफ आ भी जाती है उसके बाद भी, है ना। बट हम इवेंचुअली बहुत ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ नहीं करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में हमें यही लगता है कि यार ये देख लो कि प्रीवियस ईयर पेपर क्या था और कट ऑफ कितनी जाती है, कट ऑफ कम जाती है, अच्छा ये पेपर मैं प्रिपेयर कर लूँगा, क्यों, क्योंकि कट ऑफ कम जाती है। अरे समझो तो सही उसका मतलब, कट ऑफ कम गई मतलब डिफिकल्ट था पेपर तभी तो कट ऑफ कम गई, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, कंपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट फ्री आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए, 18 मार्च से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है
उसमें आप एनरोल कर सकते हैं. आईएग्जाम भी इज प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर आईबीपीएस एएफओ और आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलेगा. मैं जब बेस्ट कह रहा हूँ तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप खुद से कंपेयर कर सकते हैं, कहीं आपको इस अप्रोच में कंटेंट नहीं मिलता है. हर जगह लाइव क्लास या उसकी डिपेंडेंसी होती है. यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड के अलावा कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी रहता है. ओके, प्रीलिम्स मेंस दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को पूरा पूरा टाइम देना है. मैंने अभी एक दिन वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पूरा फोकस किया है स्टडी प्लान में कि दोनों को बराबर टाइम देना है. ओके, सो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. 18 मार्च से हमारी नया बैच या क्लासेस तो ऑलरेडी चल ही रही हैं. 18 मार्च से हम थोड़ा सा इसको और स्ट्रीमलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड.